तो आज एंथैल्पी, ये जो कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी का, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है केमिस्ट्री में। उसकी ख़ास बात ये है कि केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ़ द केसेस हम लोग केमिकल रिएक्शन के साथ डील करते हैं, एंड ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन जो है ओपन बीकर या फिर ओपन टेस्ट ट्यूब में होता है, जहाँ पर कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। अब इसके कारण क्यों एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हेल्पफुल हो जाता है, इसके बारे में तो हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि एंथैल्पी दरअसल होता क्या है। तो यहाँ पर मान ले एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे यहाँ पर मान ले पिस्टन लगा हुआ है, अंदर कोई एक गैसेस सैंपल है। तो ये जो गैसेस सैंपल है, ये गैसेस सैंपल, इसका प्रेशर पी है और इसका वॉल्यूम वी है। तो फिर एंथैल्पी, जिसे कि एच से डिनोट किया जाता है, तो इस सैंपल का एंथैल्पी ये बराबर हो जाता है इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा। एक सैंपल का इंटरनल एनर्जी मतलब इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मे बी मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितना एनर्जी कंटेन किया हुआ है ड्यू टू इट्स मोशन, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी होगा, या फिर हो सकता है वो वाइब्रेट कर रहा हो। इस तरह से अलग अलग तरीके का रोटेशन भी हो सकता है, तो रोटेशनल एनर्जी होगा। तो अलग अलग तरीके का जो एनर्जी वो पोजेस करके रखता है, उन सारे एनर्जीज को ऐड कर देने से सैंपल का इंटरनल एनर्जी में गिना जाता है उसे। तो एंथैल्पी ये होता है सैंपल का इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो ये जो है, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है। वेल, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसे हम एंथैल्पी क्यों मानते हैं, और कोई इंट्यूटिव फीलिंग एंथैल्पी के बारे में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि एंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल या सिस्टम प्लस उस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ऐसा क्यों होता है। वेल, तो यहाँ पर जो सैंपल है, हमने गैसेस पार्टिकल माना था यहाँ पर कि गैसेस सैंपल है ये, तो ये जो गैसेस सैंपल है, तो ये गैसेस सैंपल ऑब्वियसली बहुत सारा एनर्जी ये पोजेस करके रखा हुआ है ड्यू टू इट्स मोशन एंड ड्यू टू इट्स रोटेशन एट्सेट्रा। अगर आप मान ले ये सारा का सारा एनर्जी, ये जो सैंपल है, इस सैंपल में जो भी एनर्जी है, सारा का सारा एनर्जी अगर आप इसे बाहर निकाल देते हैं, तो फिर कैसा सिचुएशन हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, टेम्परेचर इसका ड्रॉप करते 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 एब्सोल्यूट ज़ीरो में चला जाएगा जब इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगा। तो फिर वैसे सिचुएशन को हम यहाँ पर बना लेते हैं। सो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर यही वाला सैंपल है, लेकिन इस सैंपल में कोई एनर्जी है नहीं, ज़ीरो एनर्जी है। तो जब ये ज़ीरो एनर्जी है, तो फिर ये जो सैंपल है, सैंपल का वॉल्यूम नियरली ज़ीरो हो जाएगा, और सैंपल के पास टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा, टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन होगा, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये ज़ीरो के करीब होगा, नेगलिजिबली स्मॉल वॉल्यूम होगा। अब आप देखें, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पिस्टन के वेट के कारण भी ये नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा, तो वो जो टोटल प्रेशर है जो कि ये सैंपल पे अप्लाई कर रहा है, लेट अस से वो पी है। और अब यहाँ पर आप देखें, हम इसे एनर्जी देना शुरू करते हैं, इस सैंपल को एनर्जी देना शुरू करते हैं। वेल, तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट ज़ीरो में है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मैं इसे भी लिख लेता हूँ कि नेट एनर्जी जो है इस सैंपल का, दैट एनर्जी इज़ ज़ीरो। अब हम यहाँ पर इसे हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम इसे हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, वो हीट एनर्जी जो है इस सैंपल के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ कुछ वर्क होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फेज में चेंज होगा, देन वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। वो जो इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होने के कारण जो है, यहाँ पर पिस्टन को मूव करना होगा, पिस्टन इस तरह से मूव करेगा। अब देखिए, पिस्टन के वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये पी प्रेशर इस सैंपल पे लगा रहा है, और सैंपल उसके अगेंस्ट पिस्टन को धकेलते हुए ले जा रहा, मतलब यहाँ पर ये कुछ काम कर रहा है। सो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर ये कर रहा है कुछ काम, यहाँ पर वर्क हो रहा है,
क्योंकि ये इसे धकेलते हुए ऊपर ले जा रहा। तो दिया गया जो हीट एनर्जी है, पहली बात तो ये है कि वो उसका एक पार्ट जो है, इसका एक पार्ट हीट का इसका इंटरनल एनर्जी बना रहा सैंपल का, और इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट वर्क कर रहा है इसके वॉल्यूम के बढ़ने के कारण, सैंपल के वॉल्यूम के बढ़ने के कारण पिस्टन जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा वो वाला वर्क वो कर रहा है। सो आप अगर यहाँ पर देखें तो दिस प्रोवाइडेड हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कभी भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाएगा और बाकी हिस्सा जो एनर्जी का है वो कुछ काम करेगा, क्योंकि इस दौरान इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। सो यहाँ पर आप देखिए एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, पी ही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेट ऑफ द पिस्टन, वो तो कांस्टेंट ही है। उस प्रेशर के अगेंस्ट ये इंटरनल प्रेशर बनाते हुए, ये सैंपल इंटरनल प्रेशर बनाते हुए इसे धकेलते हुए ऊपर ले जा रहा, तो एक काम हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में वर्क डन जो होता है, इससे पहले हमने इसे डिराइव करके भी देखा है पिछले एक वीडियो में, वर्क डन जो होता है ये होता है पी इंटू डेल्टा वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अब अगर आप देखें सैंपल यहाँ एब्सोल्यूट जीरो में था, सैंपल के पास कोई एनर्जी नहीं था, इंटरनल एनर्जी जीरो था, ये भी मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में ये भी जीरो था, जिसे कि मैंने इस तरह से लिखा था। सो अभी आप देखें यहाँ पर जो वर्क होगा फ्रॉम दिस पोजिशन, मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर दूँ, थोड़ा सा इसे मैं वापस ले आता हूँ उस सिचुएशन में, उस वाले सिचुएशन में, इनिशियल सिचुएशन में मैं वापस ले आता हूँ इसे। सो इनिशियली ये कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, सैंपल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल था, टेम्परेचर ज़ीरो था, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो था, और फिर यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड किया क्यू अमाउंट में, और ये इस वाले सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया जब सैंपल का प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है। सो ये जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोवाइडेड हीट जो है, जो हीट प्रोवाइड किया गया था, दैट प्रोवाइडेड हीट इज इक्वल टू इसका इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ, यहाँ पर इसका इंटरनल एनर्जी, लेट्स से दैट इंटरनल एनर्जी इज यू। सो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ, ऑब्वियसली जीरो से यू पहुँचा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी यू ही होगा, जीरो से यू पहुँचा तो इतना एनर्जी जो प्रोवाइड किया गया था हीट के तौर पर, उसका एक पार्ट इसका इंटरनल एनर्जी बना और दूसरा पार्ट ये वर्क डन हुआ, और वर्क डन किसके बराबर होगा कांस्टेंट प्रेशर के केस में, पी इंटू डेल्टा वी। और यहाँ पर आप गौर करें प्रेशर तो कांस्टेंट ही है पूरे सिनेरियो में, क्योंकि अब भी बाहर से जो टोटल प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है, टोटल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है ये पी ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन के वेट के कारण जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर भी वो था, यहाँ पर भी वो है, कंटिन्यूसली प्रेशर जो है ये सेम है। सो कांस्टेंट प्रेशर में हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू पी इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम अगर आप यहाँ पर देखें जीरो वॉल्यूम, नियरली जीरो वॉल्यूम से लेके वी वॉल्यूम तक बना, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वी। सो चेंज इन वॉल्यूम भी वी है, तो वर्क डन इसके बराबर हो गया। तो फिर आप गौर करें ये जो टर्म है यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सैंपल का एंथैल्पी इज इक्वल टू उसका इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से आप एक इंट्यूटिव आइडिया ये लगा सकते हैं कि कोई सैंपल मान ले ये वाला है और आपसे कहा गया कि इसका एंथैल्पी जो है, दैट एंथैल्पी इज एच, इट इज़ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो लेट से एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये इंडिकेट करता है कि ये सैंपल जब इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था, वहां से लेके इस स्टेट तक लाने के लिए टोटल इसे जितना एनर्जी चाहिए होगा वो एनर्जी एंथैल्पी होता है।
अब यहाँ पर देखिए एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बल्कि चेंज इन एंथैल्पी ज़्यादा यूजफुल टर्म होता है। अब इसे ऐसे कंपेयर करके देख सकते हैं, एब्सोल्यूट टाइम अभी मान ले अभी का जो समय है उसका अगर एब्सोल्यूट टाइम आप देखें तो समय की शुरुआत से बिग बैंग से अभी तक का जो समय है उसे अगर मैं एब्सोल्यूट टाइम कह रहा हूँ तो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जब हम फिजिक्स के कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एब्सोल्यूट टाइम इज़ मीनिंगलेस, बल्कि हम यूज़ करते हैं चेंज इन टाइम को, दैट मीन टाइम पीरियड को हम कंसिडर करते हैं। 5 सेकंड में इतना मूवमेंट हुआ, मतलब समय के एक पॉइंट से लेकर समय के दूसरे पॉइंट तक का जो पीरियड है वो 5 सेकंड का है, दैट इज़ चेंज इन टाइम, चेंज इन एब्सोल्यूट टाइम। सो दैट चेंज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंथैल्पी के केस में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि एक ज़ीरो एनर्जी स्टेट से इस स्टेट तक लाने के लिए टोटल कितना इसे हीट देना पड़ा, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि चेंज इन एंथैल्पी इन सर्टन प्रोसेस एक सिस्टम में एंथैल्पी में कितना चेंज होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप गौर करें ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने यूज़ किया है वहाँ पर हमने ये माना है कि ये जो हो रहा है ये जो भी हमने डिराइव किया है दैट इज़ इन कांस्टेंट प्रेशर। सो एंथैल्पी एंड हेंस चेंज इन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट इसीलिए केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शन वगैरह में, जहाँ पर कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे। और ओपन कंटेनर में अगर आप रिएक्शन करवाए, टेस्ट ट्यूब में हो, बीकर में हो, जब रिएक्शन करवाएंगे तो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। तो वैसे सिनेरियो में अब अगर हम लोग चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो स्टेट्स बनाऊंगा मैं। सो पहले तो दो स्टेट्स बनेंगे यहां पर, ये स्टेट वन और ये स्टेट टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिस्टन भी लगा देते हैं, सो यहाँ पर ये पिस्टन, ये स्टेट वन है और यहीं से हीट प्रोवाइड करके ये स्टेट टू में पहुँचा। इन दिस केस एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, हेंस इंटरनल प्रेशर भी कांस्टेंट ही होगा। सो यहाँ पर सैंपल का प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी वन है और इंटरनल एनर्जी जो है ये इंटरनल एनर्जी U1 है। यहाँ से इस स्टेट में पहुँचा, यहाँ पर प्रेशर P है उसी सैंपल का, वॉल्यूम V2 है और इंटरनल एनर्जी U2 है। इसका एंथैल्पी जो है, इसका एंथैल्पी H1 है और इसका एंथैल्पी H2 है। अब देखते हैं चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ से देखें कि इस दौरान इस स्टेट चेंज को परफॉर्म करने के दौरान इसमें कुछ हीट प्रोवाइड करना पड़ा क्यों। आप यहाँ पर ऐसे देखें, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं तो दैट प्रोवाइडेड हीट, दिस प्रोवाइडेड हीट क्यू, ये इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा और कुछ पार्ट इसके वर्क डन में खर्चा हो जाएगा। यहाँ से आप देखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ U2 - U1 और वर्क डन अगर आप देखें तो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, सो V2 - V1। अभी अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं, U2 के साथ आप PV2 को लिखते हैं, PV2 और फिर यहाँ पर -U1 और -PV1, सो वही माइनस साइन यहाँ पर, सो U1 + PV1, तो फिर आप देखें यहाँ पर ये टर्म H2 को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप एंथैल्पी का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर इस केस में, सेकंड केस में एंथैल्पी जो है ये H2 है, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी इस केस में U2 है प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम V2 है। ये H2 को इंडिकेट कर रहा है और ये टर्म जो है H1 को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ चेंज इन एंथैल्पी। प्रोवाइडेड हीट is equal to change in enthalpy in case of constant pressure। अब आप एक चीज़ देखें कि मान ले ये एक सैम्पल है, किसी भी तरह का सैम्पल है।
अगर ये सैंपल किसी भी प्रोसेस में अगर ये हीट लूज़ करता है, हीट अगर ये छोड़ता है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर इसका जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, और एंथैल्पी इज़ सम हाउ इंडिकेटिंग एनर्जी। सो इसका एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो ऐसे केस में एंथैल्पी जो है एंथैल्पी रिड्यूस करता है। सो एंथैल्पी इसका रिड्यूस करता है, या फिर हम कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव, घटने से चेंज जो है ये नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव, और इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस तरह के प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है केमिकल प्रोसेस हो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि मान ले आप कोयला जला रहे हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। या फिर मान ले कि अगर फिजिकल प्रोसेस की बात करें, तो वेपर अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, तो इस दौरान वो हीट छोड़ता है, उसमें फेज चेंज होता है। सो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। वो हीट को लूज़ कर रहा, मतलब एनर्जी को लूज़ कर रहा है। जब वो एनर्जी को लूज़ करेगा तो उसका एंथैल्पी घटता है और डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इसका उल्टा देखें आप, अगर मान ले कोई सैंपल है और वो एनर्जी को गेन कर रहा है, वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह के प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहा जाता है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है ये केमिकल प्रोसेस हो सकता है ये फिजिकल प्रोसेस हो। वैसे केस में अगर आप देखें तो ये हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा, तो इसके अंदर का जो एनर्जी कंटेंट है वो इंक्रीज़ कर रहा, जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी ऐसे में इंक्रीज़ करता है। हम कहते हैं चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है, या चेंज इन एंथैल्पी जो है, ये पॉजिटिव होता है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। सो ये एंथैल्पी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंथैल्पी और भी तरह तरह के कॉन्सेप्ट के साथ इसे कॉइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि मान ले फेज़ चेंज हो रहा है, तो उस समय जो एंथैल्पी में चेंज होता है वहाँ पर फेज़ चेंज एंथैल्पी उसे कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी एसोसिएटेड होता है, या चेंज इन एंथैल्पी एसोसिएटेड होता है, उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, या फिर रिएक्शन एंथैल्पी कहा जाता है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, इनके बारे में अब हम लोग आगे के कुछ वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th के लिए केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जो है, इसके सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।